उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये स्वर्णिम अवसर बहुत जल्द आपको हासिल होने वाला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एसआई के 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आवेदन कब से आप कर सकेंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया में किन किन चरणों से होकर आपको गुजरना पड़ता है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और ये भी कि इसका पूरा सिलेबस क्या होगा जिसे आप यहाँ से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं अखबारों में छपी कुछ खबरों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खबर यह है कि यूपी पुलिस में सिपाही के पदों पर बंपर भर्ती के साथ ही करीब 5000 दरोगाओं की भर्ती की तैयारी भी चल रही है, और इसके मुताबिक नवंबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। दरोगा भर्ती के लिए करीब 5000 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है, और इसके तहत उप निरीक्षक यानी कि एसआई सिविल पुलिस और पीएसी में प्लाटून कमांडर के पदों पर सीधी भर्ती होनी है। सिविल पुलिस के कुल पदों का 20% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, और इसकी पूरी तैयारी हो रही है, बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, और इसके बारे में सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी जीपी शर्मानी जी ने दी है। दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करें तो उसके पहले एग्जाम पैटर्न पर नजर डालते हैं। एग्जाम पैटर्न में होता यह था कि अब तक कुल मिला के 4 यहाँ पर जो टॉपिक होते थे, इन टॉपिक में से प्रत्येक टॉपिक मैक्सिमम मार्क यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 100 होता था, जिसमें से 50 अंक हासिल करना कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उप निरीक्षक यानी कि एसआई नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के पदों पर वर्तमान में लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। विद्यमान नियमों में 4 अलग अलग विषय होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम मार्क होते हैं 100 अंक। प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और उक्त विद्यमान नियम के स्थान पर 4 अलग अलग विषयों के लिए निर्धारित 400 अंकों के प्रत्येक विषय में 35% अंक तथा चारों विषयों में कुल 50% अंक, यानी कि 400 में से आपको ऑल ओवर 200 अंक हासिल करना है, लेकिन जो 100-100 अंक के आपको 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे उसमें से मिनिमम 35 अंक आपको प्राप्त करना होगा। मान लीजिए अगर आपने पहले में 35 अंक प्राप्त किया तो आप क्वालिफाइड रहेंगे, अगले में आपको 65 प्राप्त करना होगा, और इस प्रकार से ऑल ओवर आपको 200 मार्क आपको प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही आप मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। अखबारों में भी इसके बारे में सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में दरोगा बनने की आस लगाई युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। दरोगा पद पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के चारों प्रश्न पत्रों में कुल 200 अंक न्यूनतम लाना होगा, लेकिन किसी विषय में पास होने के लिए 35% अंक जरूरी होंगे। भर्ती बोर्ड ने प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को यह प्रस्ताव दिया था कि हर प्रश्न पत्र में पासिंग मार्क की 50% की अनिवार्यता खत्म करके इसे 35% कर दिया जाए, और इसे मानते हुए प्रदेश कैबिनेट ने अब उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा में 6वें संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट से गुजरना होगा, उसके बाद शारीरिक स्टैंडर्ड जो नियत है उसको आपको उसकी जाँच होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट शारीरिक क्षमता परीक्षा ली जाती है, और फाइनली आपको नियुक्ति दे दी जाती है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 4 खंड होंगे, हिंदी से 40 प्रश्न होंगे, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन और जीके से भी 40 प्रश्न होंगे, मेंटल न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से कुल मिला के देखा जाए तो 40-40 प्रश्न यहाँ पर होते हैं। मैक्सिमम मार्क प्रत्येक सेक्शन के लिए होता है 100 और क्वालिफाइंग होगा 35, यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको प्राप्त करना कंपलसरी होगा, इससे कम अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको फेल माना जाएगा। ओवरऑल आपको 400 अंकों में से जो कि मैक्सिमम मार्क है उसमें 200 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पूरा सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, जहां पर एक लिंक मिलेगा और वहां पर जाकर आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, और ये किताबें बहुत ही कम दामों पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं एज ए पीडीएफ। तो सबसे पहले इन किताबों के बारे में जान लेते हैं और इसमें क्या चीजें हैं वो चीजें देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन किताबों को आप मात्र ₹19 देकर ही खरीद सकते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा स्टडी मटेरियल मात्र ₹19 में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस परीक्षा को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए वो ये कि पिछले वर्षों के सॉल्व पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रति बोर्ड द्वारा आयोजित
पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2019-20 के लिए ये सवाल पेपर आपको दिए जा रहे हैं मात्र ₹19 में। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट पेपर 2017 पहली पाली, शॉर्ट पेपर 2017 दूसरी पाली, शॉर्ट पेपर 2017 पहली पाली 19 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, और 19 दिसंबर को दूसरी पाली की परीक्षा का शॉर्ट पेपर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा 1991, 1999, 2001 और 2011 के शॉर्ट पेपर भी आपको इस बुक में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसका जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी चीजें मैं आपको ठीक से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि इस किताब में आपको क्या मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शॉर्ट पेपर 2017, ये परीक्षा हुई थी 22 दिसंबर 2017 को पहली पाली में। सामान्य हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर जवाब दिया गया है। और निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है, तो इसका भी जवाब दिया गया, यानी कि पूरा क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है। कुल मिला के जब हिंदी समाप्त होगी तो उसके बाद आपका अगला सेक्शन आपके सामने होगा मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान। तो इसमें से भी जो प्रश्न पूछे गए थे उसका क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुल मिला के जितने प्रश्न होंगे इस सेक्शन से वो समाप्त होंगे, देन आफ्टर आपको अगला सेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। और अगले सेक्शन में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन और आंसर पूरी तरीके से मिल जाएंगे। और एक बात और बता दें आपको कि जो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे उसकी पूरी व्याख्या भी यहाँ पर आपको दे दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर होगा और उसकी पूरी व्याख्या भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगेंगे वो पूरी व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है। और जो दूसरी किताब है उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी किताब है वो मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षण की होगी। ये किताब भी आपको मात्र ₹19 में अवेलेबल करवा दी गई है। और इस किताब में आपको शॉर्ट पेपर तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ वर्बल एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, ऑर्डर सिक्वेंस टेस्ट, कैलेंडर, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम टेस्ट एंड एज, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कंडीशनल न्यूमेरिकल, लेटर सिंबल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस, लुप्त पदों को भरना यानी कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, घड़ी पर संबंधित जो प्रश्न होंगे वो, कूट लेखन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, चेन टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, फिगर सीरीज, नॉन वर्बल एनालॉजी और कोरिलेशंस, फिगर फॉर्मेशन, पेपर फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, काउंटिंग फिगर्स, क्लासिफिकेशंस, कंपटीशन ऑफ फिगर्स और ग्रुपिंग वगैरह से संबंधित, पेपर कटिंग वगैरह से संबंधित सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। एक साथ आपको इतनी कम कीमत पर इससे अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कोई और नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फोन में और इससे आप अगर स्टडी करेंगे तो UPSI के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और ये चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। अब इसमें जो खास चीजें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस किताब में हर सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लाइक एज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद पूरी व्याख्या से आपको अवगत कराया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किताब आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। लाइक एज इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो जवाब दिया गया है, उसके बाद पूरी व्याख्या यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और इसी प्रकार से पूरी किताब में जितने भी सेक्शन होंगे सभी प्रश्नों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से हल करके आपको बता दिया गया है कि जो हल होगा वो किस प्रकार से होगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये जो प्रश्न होंगे अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए परीक्षा में तो उसको कैसे आप हल करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छी किताबें हैं और बहुत ही कम दाम पर आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर क्लिक करके आप इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।